क्या हाल है मित्रों। उम्मीद का तो अच्छे होंगे। बैठे बैठे बोर हो रहा था तो सोचा क्यों नहीं एपीके टूल को इंस्टॉल करवा ही लिया तो उसके ऊपर एक वीडियो बना ले जाए। ठीक है, तो उसी के ऊपर एक वीडियो है। तो अभी हम लोग एक छोटे से एक सिंपल से एप्लीकेशन को मोड करने वाला है। वो ऐप हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ये बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए छोटा सा ऐप यूज़ कर रहा हूँ। तुम चाहो तो किसी भी ऐप को कर सकते हो टर्मक्स के थ्रू उसको मोड इंस्टॉल कर लेते हैं एप्लीकेशन को। साला 5G होके भी इतना स्लो नेट चल रहा है यार। यहाँ एक्चुअली यहाँ पे 5G टावर ही नहीं पकड़ता ट्रू 5G मेरा लैंड से। तो ये ऐप इंस्टॉल हो चुका है। इसको जब हम लोग ओपन करके प्ले करेंगे, प्ले नहीं करने वाले यहाँ पे, सिंपली तुमको दिखा देते हैं। कार्ड 12 है, टाइटन है दाना से मेरा चार्जर ले आया आज, कोई दिक्कत नहीं भी नहीं? ना, कोई नहीं। यहाँ पर देखो सेराफिम जो है ये अनलॉक है, सेफिर जो भी सेफायर कुछ भी नाम है यार इसका मुझे नहीं पता। और ये कार्टू वैली से इसका 3000 पीटीएस या पॉइंट लगेगा इसको अनलॉक करने के लिए। 30,000 लगेगा। और ये टाइटन है इसका 70,000 लगेगा अनलॉक करने के लिए। तो इसको अभी हम लोग टर्मस की मदद से अनलॉक करने वाले हैं। ओपन कर लेते हैं टर्मस। टर्मस में पहले इसको हमको भेजना पड़ेगा, तो इसको क्लिक करके रखेंगे, शेयर पर क्लिक करेंगे एंड देन टर्मस पर क्लिक कर देंगे। और ये कुछ स्टेप से यहाँ पे सो होने लगेगा, इसको चेंज कर देते हैं कोई भी नेम से। और इस नेम से हम लोग इसको ओपन डायरेक्टरी कर लेंगे, तो हमारा टर्मक्स में यहाँ पे ओपन हो जाएगा। एलएस करेंगे तो यहाँ पे देखो मोटो रेसिंग डॉट एपीके आ चुका है। एक काम करते हैं फिर PWD की मदद से यहाँ का लिंक जो है कॉपी कर लेंगे। नहीं, इसको कॉपी नहीं करेंगे, इसको अभी हम लोग मूव कर देंगे रेसिंग मोटो जो ऐप है मोटो रेसिंग को SD कार्ड में। ठीक है, तो रेसिंग MV रेसिंग मोटो तो डॉट APK मूव करना है SD कार्ड में, तो /SD कार्ड रेसिंग मोटो। यहाँ शो नहीं हो रहा है क्या यार? मोटो रेसिंग नाम रखा था हमने, रेसिंग मोटो कर दिया यार मैंने। मोटो रेसिंग थोड़ा बड़ा कर देता ताकि तुमको अच्छे से दिखाई दें। ठीक है, इसको हमने मूव कर दिया SD कार्ड में, CD/SD कार्ड। अब हमारे पास यहाँ पे LS करने पे ये मोटो रेसिंग APK आ चुकी है। अब हम लोग इसको मोड करने वाला है। इसको मोड हम लोग करेंगे APK टूल की मदद से। APK टूल अगर तुम लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देख करके टर्मक्स में इंस्टॉल कर लिया होगा तो डायरेक्ट रन करना। तो मैंने टर्मक्स को फिर से रीस्टार्ट किया था, तो उसके बाद मैंने डीबियन इंस्टॉल किया, तो मैं डीबियन से ही इसको करने वाला हूँ। ठीक है, तो रूट ये तुम्हें नहीं करना है। अगर तुम्हारे पास डायरेक्ट APK टूल है तो तुम सिंपली APK टूल से भी कर सकते हो। ओके, अगर नहीं है तो तुम डीबियन में भी इंस्टॉल करके कर सकते हो APK टूल को। तो रूट डिस्ट्रो लॉग इन डीबियन। तो एक्चुअली मैंने डीबियन को काली में कन्वर्ट करके रखा था, तो ये इस तरह का कालीनेस की तरह से हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी हम लोग अपना काम कर सकते हैं, एलएस करते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे सिर्फ ये है, तो अभी हम चल जाएंगे CD/SD कार्ड एलएस करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली एलए करेंगे तो मोटर रेसिंग का जो एप्लीकेशन है यहाँ पर हमें शो हो रहा है। इस एप्लीकेशन का हमें मोड करना है, तो मोड करने के लिए हम लोग APK टूल को यूज़ करके इसको डीकंपाइल करेंगे पूरी तरह से। APK टूल डी और जो भी इसका APK का नाम है उसको यहाँ पर डाल देंगे। तो डीकंपाइल होने में थोड़ा सा देर लग सकता है, जब तक ये होगा तब तक वेट कर लेना। मैं वीडियो को जो है स्किप कर दूंगा या थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा यहाँ से। सो ये हो जाने के बाद कुछ इस टाइप का दिखेगा। उसके बाद हमें इसमें कुछ चीज़ें और करनी पड़ेगी। और जब हम लोग यहाँ पर LS करेंगे तो हमें यहाँ पे एक और फोल्डर देखने को मिलेगा, डायरेक्टरी देखने को मिलेगी यहाँ पे मोटो रेसिंग के नाम से। अब इस डायरेक्टरी के अंदर में हमें इस डायरेक्टरी के अंदर सारा का सारा जो APK था उसके क्या कहते हैं यार डिकम्पाइल हो चुका है। इसके अंदर में हमें अपना कोड जो है करना है।
उसके लिए हम लोग नैनो यूज़ करेंगे। पहले हम लोग इस डायरेक्टरी के अंदर चले जाते हैं, मोटो रेसिंग के अंदर चले जाते हैं, एलएस करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें मिल जाएगी। उसके बाद हमें स्माली के अंदर में जाना है, क्या गया है इसके अंदर, स्माली सीडी स्माली एलएस करेंगे। फिर उसके बाद हमें इसमें जाना है कॉम में, ठीक है, सीडी कॉम फिर एलएस करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे जाना है ड्रॉइड हेल में, सीडी ड्रॉइड हैन एलएस। उसके बाद हमें इसमें जाना है गेम में, सीडी गेम एलएस। उसके बाद हमें इसमें जाना है रेसिंग मोटो में, सीडी रेसिंग मोटो एलएस। उसके बाद हमें यहाँ पे मॉडल के अंदर जाना है, इसके सॉरी नीचे मॉडल कहाँ गया है, इस मॉडल के अंदर सीडी मॉडल एलएस। उसके बाद हमें इस फाइल को एडिट करनी है, मोटो डाटा डॉट स्माली, ठीक है, तो नैनो मोटो कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, कॉपी तो किया है मैंने अभी, मोटो डाटा डॉट स्माइल स्माली अंदर एंटर कर देते हैं। अब इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें सर्च करके उसको एडिट करनी है, लाइक अपने गेम में चले जाते हैं एक बार, तो यहाँ पे नाम था कार्ड ड्यूएल, इस कार्ड ड्यूएल सर्च करेंगे, यहाँ पर 30,000 पॉइंट्स से इसको हमें जीरो कर देना है, यहाँ पर टाइटन सर्च करके यहाँ पर 70,000 पॉइंट्स से खुलेगा तो उसको भी जीरो कर देना है ताकि ये बाद में जीरो में खुल जाए। ओपन करते अपना टर्मक्स, टर्मक्स ओपन करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल एंड देन डब्ल्यू प्रेस करेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे कार्ड ड्यूएलिस, इस टाइप से लिखना है, ठीक है, एंड देन एंटर कर देंगे। स्पेलिंग गलत हो गई है शायद, कार्ड ड्यूएलिस स्पेलिंग में कुछ तो गड़बड़ हो रही है, देख लेते हैं, सी आर डी यू ई एल आई एस, ठीक है, ड्यूएलिस, ओके, कंट्रोल डब्लू, गलती हो गई, इसको पहले दोबारा से रन करते हैं, कंट्रोल डब्लू कार ड्यूएलिस, क्या गड़बड़ हो रही है यार, हाँ तो कार्ड वेले सर्च करने पे हमें मिल गया है यहाँ पे, इस जगह पे हमें एडिट करनी है, जहाँ पे 07530 है ना, इसको सिर्फ जीरो कर देना है, ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जीरो हो चुका है। अब नीचे जाएंगे तो हमें शायद एंड टाइटन भी कहीं पे मिल ही जाएगा, टाइटन 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 ढूंढना है हमें यहाँ पर, देखो यहाँ पे एंड टाइटन मिल गया, इसका भी हमें जीरो कर देना है, तो इसको भी हमें जीरो कर देना, कंट्रोल एक्स एंड देन वाई एंड देन एंटर, फिर इसको इस तरह से ये हमारा सेव हो चुका है। अब हमें क्या करना है, दोबारा से सी डी स्लैश एस डी कार्ड चले जाना है इस तरह से, यहाँ पे एलएस करते हैं। अब हमें इसको ये जो हमारा एपीके था ये बेकार हो गया, इसको हमें रिमूव कर देना सिंपली, आर एम मोटो रेसिंग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यार, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब इसको हमें क्या करना है, दोबारा से बिल्ड करना है डिकम्पाइल करने के बाद, तो एपीके टूल टूल बिल्ड करने के लिए हम लोग बी यूज़ करते हैं और डिकम्पाइल करने के लिए डी यूज़ करते हैं, याद रखना, ठीक है, और ये मोटो रेसिंग जो हमारा है इसको यहाँ पर डाल देना है, सिंपली प्रेस एंटर। अब एंटर प्रेस करने के बाद ये अपना काम शुरू कर देगा, जब तक ऐसा काम होता है तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं। अब देखो एक्चुअली जो है ना, एक्चुअली ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ऐसे ही बना दिया तुम लोग को, ये दिखाने के लिए कि टर्मक्स की मदद से भी हम लोग एपीके फाइल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, और अभी तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस आ गए जिनमें काम जल्दी हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यार, ये है, और एडिटिंग करने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, और साइन करने में एपीके तो और भी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अभी जार साइनर तो वर्क कर रहा है लेकिन जिप लाइन से अगर हम लोग साइन करने के लिए जाएंगे तो उसमें दिक्कत होगा। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम लोग कोई एपीके एडिटर, एमटी मैनेजर या कोई दूसरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर लो, ऐप यूज़ कर लो, उसकी मदद से ही एप्लीकेशन को मोड करो, ऐप एपीके फाइल्स को,
वो ज़्यादा बेटर रहेगा, टर्म्स के थ्रू ना ही करूँ। बस कभी कभार ऐसे सिखाने के लिए मैंने ये वीडियो डाल दिया है ताकि तुम लोगों को पता चले कि इससे भी वर्क होता है। तो जब तक ये होता है मैं यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दूंगा। तो जब ये पूरा बिल्ड हो जाएगा एपीके तो ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा। यहाँ पे रेसिंग मोटो के अंदर में एक डेस्ट फोल्डर है, उसके अंदर में मोटो रेसिंग के अंदर में एक डेस्ट फोल्डर है, उसके अंदर में मोटो रेसिंग डॉट एपीके फाइल है, ठीक है। तो उस एपीके फाइल को हमें इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। एक बार चेक कर लेते वो है कि नहीं। तो सीडी मोटो रेसिंग उतना कौन करेगा यार, सिंपल कॉपी पेस्ट मार लेते हैं ना। तो इस फोल्डर पे हम चले जाते हैं। यहाँ पर जब एलएस करेंगे तो देखो यहाँ पे एक मोटो रेसिंग एपीके है जो हम लोगों ने अभी इसको मोड करके बना लिया है। अभी इस एप्लीकेशन को हमें इंस्टॉल करवाना है। तो इंस्टॉल करने के लिए हम लोग चले जाएंगे अपने फाइल मैनेजर में। लेकिन जब हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो ये इंस्टॉल नहीं होगा। रीज़न, क्योंकि हम लोगों ने इसको अभी तक साइन नहीं किया है। इंस्टॉल करने से पहले इसको साइन करना पड़ेगा, तभी जा करके ये वर्क करेगा। ये मोटो रेसिंग का फोल्डर है, इसके अंदर में एक डेस्ट फोल्डर है, उसके अंदर में हमारा एपीके है। अब इस एपीके को हम लोग इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। पहले ओरिजिनल वाले को डिलीट करना पड़ेगा। कहाँ है ओरिजिनल वाला, इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। अब इसको इंस्टॉल करते हैं। अब देखना ये इंस्टॉल नहीं होगा। ऐप नॉट इंस्टॉल्ड एज पैकेज अपीयर्स टू बी इनवैलिड। तो जो ऐप है वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है। अब इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, इसको पहले साइन करना पड़ेगा। जैसा हम तुम लोगों को पहले भी बता रहे थे कि भाई ये टर्मक से करने की कोई ज़रूरत नहीं, साइन वाइन करने में दिक्कत आएगा, इससे अच्छा एमटी मैनेजर या एपीके एडिटर कुछ भी यूज़ कर लो यार, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि साइन तो करना पड़ेगा फिर तुम्हें कोई थर्ड पार्टी ऐप्स है, तो इससे अच्छा डायरेक्ट उसी ऐप से ही कोड कर लो, मोड कर लो। फंक्शन में जा करके अभी मैं इसको साइन करके दिखा दूंगा। तो ये ऐप हमारा साइन हो गया। अब इसको हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं। तो आप देखना ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा। देखो इंस्टॉल हो जा रहा है और ये ऐप जो है इंस्टॉल हो भी चुका है। अब जब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो जब हम लोग यहाँ पर मोटर्स में चले जाएंगे तो यहाँ पर देखो सारा का सारा जीरो से शुरू हो रहा है, थर्टन भी शुरू हो जा रहा है। फिर भी ये तो पहले से ही जीरो में शुरू हो रहा था, इसका 30,000 पॉइंट लग रहा था ये भी फ्री हो गया, और इसमें 70,000 पॉइंट लग रहा था ये भी फ्री हो गया। तो इस तरह से हम लोग मोड कर, सिंपल है, तुम लोग भी ईजिली कर सकते हो। लेकिन अगर करना है तो भाई एम टी मैनेजर ए पी के एडिटर यूज़ करो, टर्मक से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक भाई बार बार कमेंट कर रहा था कि भाई बता दो कैसे ए पी के टूल को यूज़ करें, इसलिए ये वीडियो मैंने बना दिया था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, हैप्पी हैकिंग।